दोस्तों, बॉलीवुड ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अपने करियर पर ध्यान देते देते कलाकार अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी फैमिली प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जो लॉकडाउन के दौरान प्रेग्नेंट हो गई। बने रही हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की। विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर कर दोनों ने इस बात की जानकारी दी। इंस्टाग्राम पर दोनों ने लिखा कि वो जल्द ही 2 से 3 होने वाले हैं। फोटो में अनुष्का का बेबी बम नजर आ रहा है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आपको बता दें, विराट कोहली और अनुष्का ने दिसंबर 2017 में इटली में शादी की थी। लिस्ट में दूसरा नाम पटौदी खानदान की बहू यानी कि करीना कपूर खान का है। करीना कपूर खान दूसरी बार मां बनने वाली है। करीना की पहली संतान यानी कि तैमूर पहले से ही बॉलीवुड और मीडिया की आंखों का तारा है। खबर है कि करीना फिर से मां बनने वाली है। दोस्तों, करीना 39 साल की हैं जबकि सैफ 50 साल के हैं। इन्होंने 16 अक्टूबर 2012 में शादी की थी और तैमूर का जन्म 2016 में हुआ था। वहीं हाल ही में सैफ और करीना ने अपने दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड की पद्मावती यानी कि दीपिका पादुकोण का है। दीपिका ने रणवीर सिंह से 14 नवंबर 2018 को शादी की और तभी से उनके फैंस चाहते हैं कि दीपिका जल्द से जल्द मां बन जाए। लंबे समय से इनकी प्रेगनेंसी के कयास लगाए जा रहे थे और खबर है कि दीपिका ने कुछ ऐसे हिंट्स दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों जल्द ही मम्मा पापा बनने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में रणवीर के एक चैट शो के दौरान दीपिका ने हाय डैडी लिखकर कमेंट किया। इसके बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये जोड़ा भी जल्द ही कोई खुशखबरी दे सकता है। वहीं लिस्ट में अगला नाम हार्दिक पांड्या का है। हार्दिक पांड्या हाल ही में पिता बने हैं। उनकी गर्लफ्रेंड नताशा ने क्यूट से बच्चे को जन्म दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ समय पहले हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज अपलोड कर नताशा के प्रेग्नेंट होने की खबरें दी थी। दोस्तों, पहले हार्दिक ने नताशा को प्रपोज करने का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। फिर उन दोनों ने सगाई कर ली। इसके बाद नताशा के प्रेग्नेंट होने की खबरें सामने आई। फिर दोनों की जल्द शादी करने की खबरें सामने आने लगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई। हालांकि बाद में पता चला कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली और अब दोनों एक बच्चे के माता पिता बन गए हैं। लिस्ट में अगला नाम प्रियंका चोपड़ा का हो सकता है। दोस्तों, 2020 में न्यू ईयर पार्टी के दौरान प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा के हाथ में शैंपेन का ग्लास था, लेकिन प्रियंका ने शैंपेन का एक घूंट भी नहीं पिया। इसके बाद उनके फैंस कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बेबी प्लान कर रहे हैं, इसलिए प्रियंका ड्रिंकिंग अवॉइड कर रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,